आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। चंदन तंदुल पुष्प कई तब सुदीप सुधूप पलाग कई कबल मंगल मान रवा कुल कल्याण महाकुदी चंदन तंदुल पुष्प कई तब सुदीप सुधूप पलाग कई कबल मंगल गान रवा कुल दिन गए दिन नाम महम यदि ओम मैं भगवान के सति क्षेत्र जिन क्षेत्र कुल पाप दे अर्घ्य पाप दे स्वाहा मोदक की चंदन तंदुल पुष्प कई सरसु दीप सुधूप पलाग कर धवल मंगल गाने लवा कुल दिन गए दिन सूत्र महम यदि ओम श्री पद्मयोग कर्णयोग चंदनयोग दर्वेल में आचार्य श्रीमंतु मदर विचित भक्ता भक्तो उमा स्वामी द्वारा विचित तत्वा सूचित दसो दर्जुन को पापचार यो में बांधे उदकी चंदन तंदुल पुष्प कई तनु सुदीप सुदूप पलाग कई कवल मंगल गाने रवा कुले दिन गए मुनिराज महम यदि ओम रेम श्री धाइदी में तीन कर्णों क्रोध आचार्य श्री शांति सागर जी आचार्य श्री पाय सागर जी आचार्य श्री जयकेंद्र जी आचार्य श्री देशभूषण जी आचार्य श्री विद्यानंद मिराज आचार्य श्री सुख सागर समस्त आचार्य को मुनियों बालकों को संचय जहाँ जब राजमान थी किसी चरण मार कर बांधे तप्तम तथा महोग्रम गोरं तपो गोर्प कामरस्ता ब्रह्मा परम गुड गुणाश्रम जय सस्ति क्रिया सुपर मर्षि सर्वो तथा श्री विशा विषाद चे विषम विषाचा आचार्य श्री विद्यानंद महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। शांतिं च कांतिं विजयं विभूति तुष्टिं च पुष्टिं सकलस्य जन्तु दीर्घायुरारोग्योति सिद्धि पूर्याजिन स्नान चरण वंदनाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। नमो रिंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो ध्यायानं नमो सुसावरम नमो रिंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो ध्यायानं नमो सुसावरम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीर मंगलम श्री महावीर जिंदाए अर्गम ने पावते महावीर भगवान की जय। बीत राग बंदो सदा भाव सहित सिर नाय तहुं कांड निर्वाण की काशा सुगम बनाय। अंता पद आदिश्वर स्वामी वास पूज चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी शंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर शीश भाव सहित बंधो निश्चित वरदत्त राय रुइंद्र मुनि सायर दत्त आदि गुणवृंद नगर दार पर मुनि उठ कोटि बंधो भाव सहित कर जोड़ गिर गिर नार शिखर विख्यात कोड़ी महत्तर अरुसो स्वान रामचंद्र के सुत देवी लाल नरेंद्र आदि गुण दीन आदि बोले मुनि मोक्ति मजार पावा के बंदो निर्धार पांडव तीन द्रविण राजान आठ कोड़ी मुनि मोक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिरिकेशी भाव सहित बंधु निश्री
ये बल भाग मुक्ति में गए आठ कोड़ मुनि और भय सुग्रीव सुनील कवे गवा के नील महानी नंग नंग कुमार सुजान पांच कोड़ी और आठ ब्रह्मान मुक्ति गए सोना गिरशी रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा चटसार कोटि पंच अरु लाख पचास देवन दो दरि परमुरा देवा नदी से तवर कोट पश्चिम दिशा दे जय जोर दे चंद्री दश काम कुमार कोटि बलवानी बल नयर सुचंग दक्षिण दिश गिर चोल उतंग सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिर वर शिखर मजार पल होड़ी बल काम अनु पश्चिम दिशा दौड़ गिरी रूप बाल महाबाल मुनि दोए नाग कुमार मिले से होए जलापुर की देश निशान तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे दंसनमिया सिद्धे शीर्षाण मंसामी इच्छामि बन्ते सिद्धवत्ते दौसको को तस्सालोचम समणान समदर्शन समचरित सुत्तानम अट्टवे कम विकमुकानम अट्टगुण संपन्नानम उटलवे मध्ये मे पैटियानम तव सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम चरित सिद्धानम अतीतान वर्तमान कालते सिद्धानम सब सिद्धानम सयाणि चिकालम अञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमको बोलो सोय गमनम समाधि वरणम दिनगुण संपत्ति होम अजम जय बलो नंदानंद परम चेत भगवान की जय जय बलो आदिनाथ भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय निमिनाथ भगवान की जय आश्वनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय चौबीसों भगवानों की जय आचार्य विद्यानंद मुनिराज की जय गणधराचार्य कुंसागर महाराज की जय जैन धर्म की जय जिनवाणी माता की जय विश्व धर्म की जय आचार्य कुंसागर महाराज की जय महानुभाव आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं आज है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लिए आए हैं निर्वाण के दिन लड्डू चढ़ाते हैं कि भगवान के जो मधुर वाणी है उस वाणी को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं गंभीरम मधुरम मनोहरतम ये सारे भगवान के वाणी के लिए विशेषण बताए आचार्यों ने गंभीर है मधुर है मनोहरतर है और कंठोष्ठ स्पंद रहितम भगवान के हम जैसे आवाज़ करते कंठ में ओठ में आवाज़ करने के लिए स्पंदन होता है ऐसे भगवान का कोई परिस्पंदन नहीं होता है सर्वांग से उनके ओमकार दिव्य ध्वनि निकलती है कैसे दिव्य ध्वनि निकलती है एक ओमकार दिव्य ध्वनि के अंदर से गणधर गौतम गणधर स्वामी उनके दिव्य ध्वनि को आगे 700 भाषाओं में प्रकट करते हैं 18 महाभाषा बोलिए 700 लघु भाषाओं में पशु पक्षियों की भाषाओं में इंटरप्रिटेशन करते हैं वो बदल के बताते हैं केवल वो ओम की दिव्य ध्वनि आती है उसी में से बताते हैं वो कैसे जैसे कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है 0-1 से 0 और 1
दो चीजें, जीरो और वन। तो ये दोनों से कंप्यूटर का लैंग्वेज बनता है और उसमें आप फोटो खींचो, कुछ भी कर लो, उसमें जो कर सकते हैं वो सब कुछ उसमें किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे जो महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ और वो केवल ज्ञान में जो उनको झलक रहा था उसको अरिहंत भगवान ने प्रकट किया। और जिन्होंने चार घातिया कर, हाथ जोड़ो, जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट किया है, डिलीट किया है वो अरिहंत भगवान ने। जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट किया है वो सिद्ध भगवान ने। आठ कर्म कौन कौन से है किसी भी दर्शन में, धर्म में ये आठ कर्मों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। केवल जैन दर्शन ही ऐसे जो ये आठ कर्मों को डिवाइड करता है और ये साइंस से भी बहुत मिलती जुलती बातें हैं। और ज्ञानावरणी, हाथ जोड़िए, बोले ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये आठ कर्मों को नाश करने के बाद सिद्ध भगवान बनते हैं। और वो जो सिद्ध भगवान बनते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि अरिहंत भगवान कौन है, सिद्ध भगवान कौन है। अरिहंत भगवान हुआ है जिन्होंने चार घातीय कर्मों को नाश किया, और जिन्होंने बचे हुए चार अघातीय कर्मों को नाश कर दिया वो सिद्ध भगवान। जितने भी अरिहंत भगवान बनते हैं उसी भाव से वो सिद्ध भगवान भी बनते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अभी महावीर भगवान किस अवस्था में, अरिहंत अवस्था में कि सिद्ध अवस्था में? सिद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था में? हाँ, अरिहंत पहले थे जब वो केवल ज्ञान प्राप्त किए, उपदेश दिए, उस समय अरिहंत थे। उसके बाद उन्होंने आठों कर्मों को नाश करके सिद्ध बन गए। क्या बन गए? जितने भी भगवान पहले अरिहंत बनते हैं फिर क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। इस बात का ध्यान रखना, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं रहता है। अभी मेरे को कई लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछा। तो आज जो हम लोग निर्वाण कांड जो पढ़ रहे थे, इतने असंख्य मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के या भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में ही चार घातिया कर्मों को नाश करने वाले और भी बहुत सारे मुनिराज थे। वो सामान्य केवली थे। क्या थे? सामान्य केवली। कौन से केवली? सामान्य केवली। और तीर्थंकर केवली एक होते हैं। तीर्थंकर केवली कितने होते हैं? हाँ, केवली उनको बोलते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए चार घातीय कर्मों को नाश करना पड़ता है। कितने घातीय कर्म? उनको केवली बोलते हैं। तो जो केवली भगवान है वही अरिहंत है। कौन है? केवल ज्ञान उसको बोलते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का सभी वस्तुएं एक साथ झलकते हैं। जैसे आईने में झलकते हैं ऐसे उनके ज्ञान में झलकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। ओमनीसेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ओमनीसेंस बोलते हैं। तो वो जो ओमनीसेंस है, ओम से उसका रिलेशन है, इसलिए उसका नाम ओमनीसेंट है। ओम से रिलेशन है, कैसे रिलेशन है? उनके दिव्य ध्वनि निकलेगी तो ओमकार के रूप में निकलेगी। कौन से रूप में? हमने उसके प्रतीक रूप में घंटी बांध रखा है। देखो, भगवान के मुख के सामने घंटी बांधती है। घंटी कैसे होती है? घंटी देखा आपने बजाया, उसमें से क्या आवाज आती है? ओम की, ओम 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 ओम, ऐसी आवाज आती है। दिव्य ध्वनि की आवाज इस तरीके से आती है, ओम 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 की आवाज आती है। तो ये जो आचार्य ने बताया ओमकार दिव्य ध्वनि जो है वो, उससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी उपदेश देते रहे और वो उपदेश देते देते पावापुरी के सरोवर में, हस्तिपाल राजा के एक बहुत बड़ा सरोवर था, वहां पर उस सरोवर में महावीर स्वामी योग निरोध किया। बोलिए, योग निरोध। योग बोलते जैन धर्म में योग अलग है, या कोई कोई बोलता योग है ही नहीं, जिसको पता नहीं है। हमारे जो केवली भगवान है उनका 13वां गुणस्थान है। कौन सा गुणस्थान है?
सारे मिलकर के 14 गुण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 14। वो जो 14वें गुण स्थान है वो अयोग केवली, बोलिए अयोग केवली। अब 13वां गुण स्थान जो है जिसमें दिव्य ध्वनि होती है वो 13वां गुण स्थान है। कौन सा गुण स्थान है? संयोग केवली, बोलिए संयोग केवली। वहां तक योग है, 13वें गुण स्थान तक योग है, बोलिए 13वें गुण स्थान तक। 14वें गुण स्थान में अयोग हो जाते हैं, उसमें मनोयोग, हाथ जोड़ो बोलो, वचन योग, काय योग, इन चारों योगों, इन तीनों योगों को निरोध करके पावापुरी से भगवान महावीर स्वामी ने शेष बचे हुए चार अघातीय कर्मों को नाश करके मोक्ष गए, निर्वाण गया। नमो तेसिम, जो निर्वाण को गए उनको नमस्कार करते हैं। और अब निर्वाण लड्डू तैयार हैं, झंडा भी लगा रखा है, सिद्ध भगवान के प्रतीक केसरिया कलर भी लगा रखा है, एक दीपक, एक दीपक तैयार कर रहे हैं, तैयार ही है। ओम नमः। ओम नमः। अब आप लोग सब लोग हाथ लगाना, दोबारा एक बार मैं सिद्ध भक्ति पढ़ता हूँ। ओम रीम कार्तिक कृष्ण अमावस्या आज के दिन पावापुर के पदम सरोवर से भगवान महावीर स्वामी 26 मुनियों सहित मोक्ष पधारे, तिनके जी चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु 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 अर्घ्यम जगाने के वास्ते स्वाहा। के बस बसदा सब ही पर बसी अति दुख पावे, ते दुख दूर करन को भग जन अग्र जी नाग चढ़ावे। परम पूज्य धीराज भी इन बाहु बनी बलधारी, तिनके चरण कमल को निज प्रति दोख दिखाले हमारी। ओम रे प्रथम स्थान पावते कर्मय विजय विराज में शिवा और ब्रह्म युग दान प्रवाप्तार कमने पावते स्वाहा। आठ दर्भ निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए, चर्म रोग निर्वार सम्यक रत्ना देव दू। ओम रिमष्टम सम्यक दर्शन नमः श्री समिज्ञाने नमः श्री समिज्ञानताय नमः अर्गम निपान्ति स्वाहा। आठ दर्भ जानत पूजो श्री जिनिराय महासुख हो, जैवेनाथ परम सुख हो। पांचो मेरु असी जिन दाम, सब प्रतिमा जिको गर्व परणाम महासुख हो, सुदर्शन विजय मंदिर विद्युवाली पंचकुल संबंधित जिन चतन मार्ग पांति स्वाहा। जानत वरत करो मन राय, परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु। दर्श विशोध भावना भाय, सोले तीर्थंकर बजताए परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु। ओम रीम दर्शित षोड़कार में नरकुत प्राप्त गमने पान स्वाहा।
सुम को अर्पत हो जानत की जोश विखे भूमि समर्पत नंदीश्वर श्री जिनिदान बावन पूज करो बस दिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव नंदीश्वर दीप मान सारो दिन सोहे बावन जिन मंदिर जाए सुख नर्मन हो दिशा दीपे पूरा पश्चिम दक्षिण चार दिशा पाप तरगम ने पामते चंदन अक्षत फूल चरो हर दीप धूप लावे पूजा को ठानत ज्योत में जानत सोनर जानत सुख तिर शंकर की गणि गण धरने सुनि आकुल चे चुनि जान मई सो दिन वर वाणी शिव शिव दानी त्रिभुवन मानी पूज भई ओम रेव से जन्मक सर देवी जन्मानी माता रुण पामते स्वा चल पलादिक दबने कर अरग सुंदर कर लिया संसार लोग निवार भगवान बारी तुम पद में जहां सुभगति मंडल विराजे पूजी मन बच तन सदा इस मनोवांचित मिलत सब सुख सपन ओम रेव सरोप गुणाश्रमार्थ उत्सव सर संगठराय सब शांति पुष्टि कराए शिष बांधिक चौबे चिंतकर अष्टवरंतादि पंचपद्र श्रीगांचाय चतुर निकाय दे चार प्रकार दिशामण अष्ट दिशा तुषी चौबे देवी तीन ही मंत्रविंद दीपक तृतीय संबंध देव देव सेविता प्राप्त देव वर्गण पाम ते करे तन क्रिया ज्ञान रहे न जाने हित पूजन ना करे हम वाते बस तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी दुख हरण मंगल कर लिया स्वाभर जिन पूजा सही जो चित्त में सरदान मेरे शक्ति है स्वयमेव तुम सारी के दातार पाए काज लग जा जो कहा मुझ आप सम कर ले स्वामी यही कबाका संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो तिस दाते आकुलित चित शांति थल गौ नालियो कब मिले शांति स्वरूप शांति कर्ण समरत जगपति वसु कर्म मेरे शांत कर दुष कर्म मेरे शांत कर दुष कर्म मेरे शांत कर दो शांति में पंचम गति डबलो नहीं शिव लो तब लो देव ये दर पावना सत्संग छोटा चरण शुक्ला प्यास आतम तुम बिन अनंत अनंत काल गयो रुलत जग जाल में तब अरण आयो नाथ दो कर जोड़ नावत भाल कर प्रमाण के मान के गगन फेंकी बल जो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं काल का शुक्रोमी बोले महावीर भगवान की जय यह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जिन राजा भव गज पार उतार दिया दूसरी आरती सीतन के सुमरन कर जय की श्री जन राज तिहारी
बोले महावीर भगवान की जय। जय महावीर प्रभु स्वामी। जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, कृष्णानंद विभु। ओम जय महावीर प्रभु। श्री भारत गर्जन में तुम चरण की शरण ते बंदो तुम्हें कर जोर कर उद्धार जामन मरण दे आवानन कापन तथा सन्निधि करण विधान जी पूजन विसर्जन यथा गुणगान जी जो दोष लागो सो न जो सब तुम चरण की शरण ते बंदो तुम्हें कर जोर कर उद्धार जामन मरण दे तुम रही आवा गमन आवा
कियो निज भाव में विद्यता करनीय शक्ति सम पूजन कियो अति चाव में कर भूमि सर्जन भावी में तुम चरण की शरण दे बंधो तुम्हें कर जोर कर उद्धार जामन मरण दे काल में तुम सादेव न हो सुकारण संकट नमो जुगल कर जो इत्याशीर्वाद पूर्वक विसर्जन पूर्वक पुष्पांजलि श्री जिनवर के आशीर्वाद नीचे शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए बोले महावीर भगवान की जय। 1947 में निर्माण महोत्सव के अवसर पर से
देश में बहुत लोगों को बहुत लाभ हुआ, सतर्क होने से बहुत जबरदस्त लाभ हुआ। हमारे आचार्य ने इसके लिए बहुत जबरदस्त श्लोक बताया है, जो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बार बार याद दिलाते थे। हाथ जोड़िए, अनुशासन, जोर से बोलिए, युक्तस्य नित्यं सत्कर्म योगिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। इसके श्लोक में कितना पावर है, और वो सारे महत्वपूर्ण वस्तुओं को सार रूप में पकड़ के रखता है श्लोक जो है। एक श्लोक में इतना सार भरा रहता है, पूरा पुस्तक बना सकते हैं इसके ऊपर, पूरा एक बुक बना सकते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बार बार बता देते अनुशासन युक्तस्य। बोलिए, जो धर्मात्मा व्यक्ति अनुशासन से सहित है उनके चार चीजें बढ़ते हैं। चार चीजें क्या क्या बढ़ते हैं, देखो, मास्क लगाने से, हाथ साफ सुथरा रखने से, सैनिटाइजर से यूज करने से, दूर डिस्टेंस मेंटेन करने से कितने लाभ होते हैं ये बता रहे हैं। हमारे जैन पद्धति नमस्कार का, क्या पद्धति, धोलावीरा और राखीगढ़ी के हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो, इन सभ्यताओं में नमस्कार की मुद्रा है। और जैन दर्शन का शुरुआत नमस्कार से होता है। कहाँ से होता है, आप लोग उसको नमोकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, एक अभी पूछ रहा था नमस्कार कर सकते हैं क्या, बोले नमोकार का संस्कृत में नमस्कार है। क्या है, नमस्कार है, नमन है। नमन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ना मन, बोले हम जैन जो धर्म है वो चेतन का है। किसका है, चेतन का है। बोलो, तन मन, तन और मन धीरे धीरे घटते जाते हैं, याददाश्ती कम हो जाती है, कान सुनने में कम हो जाते हैं, आंखों के चश्मा आ जाते हैं 40 साल के बाद में। तो ये सारे चीजें जो है आचार्य ने बताया, चेतन है जो शाश्वत है। क्या शाश्वत है, चेतन है। कितने लोगों के यहाँ हम सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे पिछले जन्म की बातें करते हैं और घर दिखाते हैं, बताते हैं। तो अधिकतर मैंने यही देखा है, अब शास्त्रों में भी बताया, जिनके उम्र अभी रहते हुए डेथ हो जाती है वो लोगों को ज्यादा याद रहता है पिछले जन्म का। पूरा आयु करते तो फिर वो पूरा भूल जाते हैं, सारे चेंज हो जाता है सारे। परंतु जो कम आयु में चले जाते हैं उनके अधिकतर मैंने देखा बच्चे जो है वो बड़े होने तक भी याद रहता है पिछले जन्म का, किसी किसी के पिछले दो तीन भूल का भी याद रहता है। तो आचार्य ने बताया अनुशासन युक्तस्य नित्यं सत्कर्म योगिनः। नित्य भोजन है, आहार विहार, बोलिए आहार विहार, जिसका बढ़िया है, बोलो जिसका बढ़िया है, जिसका स्वास्थ्य बढ़िया है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है, स्वयं में स्थिर होना, बोलो स्वयं, आज लो स्वयं, अपने आत्मा में स्वयं को स्थिर करना है, अपने आप को स्थिर करना है, स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब स्व का मतलब आत्मा, बोलो स्व, बोलिए आत्मा, उसमें स्थिर रहना स्वस्थ है। और शरीर का भी स्थिर रहना, शरीर का भी स्थिर रहना शरीर का स्वस्थ है। मन का स्थिर रहना, बोलिए मन का स्वस्थ। अगर मन मजबूत है तो सारे मजबूत है। सबसे पहले मनोयोग है, कौन सा योग है, फिर वचन योग है, बोलिए काय योग,
शुरू होता है मनोयोग वचन योग काय योग। बोलिए मनोयोग वचन योग काय योग। इसके स्थिरता से बोलो इसके स्थिरता से वर्षा योग है। आज वर्षा योग का अंतिम दिन है। वैसे तो वर्षा योग कल ही समाप्त हो गया है पर आज विशेष रूप से कार्यक्रम रखा है वर्षा योग विसर्जन का और कलश जो है जिसके कलश है उनको कलश भेंट करेंगे। और हमने आपको याद होगा जब स्थापना की थी तो चारों ओर दिग्बंधन किए थे दिशा बंधन। बोलिए दिशा बंधन। पश्चिम पूर्व में कितना दूर जा रहे हैं पश्चिम में कितना दूर जा रहे हैं दक्षिण में कितना दूर जा रहे हैं अब उत्तर में कितना दूर जा रहे हैं ये सारे हमने फिक्स किए थे याद होगा। अब हम उसको सब खोल देते हैं। अच्छा अभी आपको बताया अनुशासन से जो सैनिक है उनके आयु बोलो आयु वृद्धि होती है विद्या बढ़ जाती है यश बढ़ता है अब ताकत बढ़ जाती है। देखिए भोजन का अनुशासन ताकत को बढ़ाता है मन का अनुशासन ताकत को बढ़ाता है स्वस्थ रखता है। ऐसे कुछ गुरुदेव को अब हम लोग याद कर रहे हैं और वो कितना फिट रहते थे स्वस्थ रहते थे और ये उन्होंने अनुशासन को कायम किया था। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आया तो ये बाबा बोलने लगे कि आप बड़े महाराज जी का टाइम पे आ गए टाइम से पहले आ जाते थे महाराज जी बैठ जाते थे। तो आज दिवाली है अब पूर्व दिशा में नमोकार मंत्र पढ़ के मैंने विसर्जन कर दिया है फिर भी आपको एक व्यवहारिक रूप से सामाजिक रूप से ये सारी चीजें हम लोग हर साल करते हैं नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अनुशासन में रहना चाहिए जैन धर्म का सारे अनुशासन
धर्म का सार है अनुशासन। अनुशासन से सही रहने से सारे चीजें हो जाती है। हमारे जितने भी व्रत है, नियम है, उपवास है, चतुर्मास है, चतुर्मास भी एक बहुत बड़ा अनुशासन है। इसमें जीव जंतु इतने उत्पन्न हो जाते हैं, पृथ्वी काय बोलिए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। देखिए अभी एक किडनी के स्पेशलिस्ट सारे मिल करके डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये सामने आया है किडनी के जो मरीज हैं उनके लिए कट्टरता से जमीन कर्म का त्याग करने के लिए बोलते हैं। किसका क्यों त्याग करने के लिए बोलते हैं बता सकते हो? उसके अंदर पोटेशियम की ज्यादा मात्रा है। किसकी ज्यादा मात्रा है? पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से जमीकंद का त्याग करना है। और जमीकंद के अंदर जो है जो बैक्टीरिया है, हमने इस पे काम किया है, डॉक्टर साहब आए क्या कि नहीं आए? डॉक्टर डीसी जैन जो है इस पे बहुत जबरदस्त काम किए हैं। ये जो वनस्पति का है दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार, एक साधारण एक प्रत्येक। बोलिए साधारण और प्रत्येक। कि हमारे हर जेंस को समझ में आना चाहिए कि हम ये जो जमीन में उगने वाले चीजें क्यों नहीं खाते, उसका क्या कारण है। उसका मेन कारण जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ज्यादा खाने से या थोड़ा सा भी खाते हैं तो नुकसान देते हैं। लाभ भी है, ऐसे ऐसे नहीं कि लाभ नहीं है। तो हाई प्रोटीन, हाई पोटेशियम, सारे चीजें बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा उसके अंदर साधारण वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? साधारण वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें अनंत अनंत निगोदिया जीव है। निगोदिया जीव का मतलब बैक्टीरिया, निकोटिन जीव का मतलब अनंत काय। कितने हैं? और वो चेंज हो जाता है किसमें? प्रत्येक में। जैसे आम है, आम पकने के बाद प्रत्येक वनस्पति होता है। क्या होता है? वो असंख्यात अनंत काय से संख्यात में आ जाते हैं। बैक्टीरिया उसमें भी रहते, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुगाल के मेहमत रहे ना, वैसे तो मुंह में भी बैक्टीरिया है, अब पेट में भी बैक्टीरिया है। पेट में 1.5 किलो बैक्टीरिया है एक पेट में। कितने? अगर नहीं होते तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वो डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। लिटरली दिमाग से बात करते हैं 1.4 kg है। वैसे एक्यूरेट बता रहा हूं, 1.4 kg बैक्टीरिया है। हम चेन जो है कम से कम विराधना हो, कम से कम विराधना हो, जीव हिंसा ज्यादा नहीं हो। समझे ना, कई लोग बोलते उसमें वनस्पति में भी तो जीव होता है। हमारे पास कोई जवाब है नहीं, क्या बोले उनको? आज मैं पहले बार बता रहा हूं ये बात जो है, पहले भी थोड़े थोड़े बताते रहे। मैं आपको पक्का कंफर्म बता रहा हूं कि जो बैक्टीरिया है वनस्पति का जीव जो है, साधारण वनस्पति में बहुत आयत में बैक्टीरिया होते हैं और प्रत्येक में बहुत कम होते हैं। और जैन जो भोजन करते हैं, जैन फूड जो है वो प्रत्येक वनस्पति है। बोलो हम, बोलो हाथ जोड़ो, हम जैन समाज में जो भोजन करते हैं जैन फूड है वो प्रत्येक वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? प्रत्येक वनस्पति है। जिनमें जीवों की संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर, उसको भी प्रासुक करके गर्म करके और उसको चिन्ह बिन करके लेते हैं। बोलो सुकम, सूखा हुआ हो, सूखा हुआ मतलब गेहूं वगैरह। पक्कम, बोलो पका हुआ हो, आम अमरूद पपीता वगैरह पका हुआ होना चाहिए। तपकम, बोलिए तपा हुआ हो, बॉइल हो, पानी वगैरह बॉइल हो, तपा हुआ हो। और उसके बाद अम्बिल लवणेन, बोलिए नमक, सैदा नमक बोल रहा हूँ, नमक और नींबू, आंवला आदि से, गरम मसाले आदि से छिड़का करके प्रासुक किया हो,
ठीक है ना। अब उसके बाद जम बोलिए, हटे जम जनते हैं यंत्र से या चक्कू से समारा हुआ हो। जम जनते रहे चिन्हम, चिन्हम मतलब समारा हुआ मतलब चिन्ह में भी किया हुआ। वह भोजन बोलो प्रासिक है, जीव जंतु रहित है, जिसे डॉक्टर बोलते हैं स्टेरिलाइज सैनिटाइजर, सैनिटाइजर बोलना है। तो जीव जंतु रहित करना प्रासिक है, क्या करना है? हम जो भोजन करते हैं जीव जंतु रहित करके भोजन करते, समझ में आए। तो आज जो है हमने हरे पत्तियों के जो त्याग किए थे चतुर्मास से पहले के दिन जो है जितने भी हरे पत्तियों के जो चीजें है उनका त्याग किए थे। क्यों त्याग किए थे बता सकते हो? क्योंकि उसमें हम सूक्ष्म जीव होते हैं, आंख से भी नहीं दिखाई देते, इतने बिल्कुल हरे उसी कलर के होते हैं, उसी कलर के होते जो पत्ते होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे अब जैसे कोई पूछ रहा था फूल गोभी तो ठीक है पत्ता गोभी क्यों मना करते हैं? मैंने बोला भाई पत्ता गोभी हम मना नहीं करते, उसके अंदर कीड़े ऐसे होते हैं, बहुत कीड़े होते हैं, और वो कई कई बार दिमाग में पहुंच जाते हैं, और दिमाग में पहुंचने के बाद तो दिमाग खराब करके रख देते हैं। हाँ आपने सुना होगा किसी किसी के तो दिमाग में कीड़ा पहुंचा, सुना है आपको? इसके दिमाग में कीड़ा पहुंच गए वैसे भी बोलते हैं इसके दिमाग में कीड़ा चल रहा है, है? बोलते हैं ना। तो आज जो है वो सारे जीव जंतु ठंड के मारे अब कम हो जाते हैं। आज अब देखो आप ठंड शुरू हो गए ना, क्या साइंस से देखो शुरू से हजारों साल पहले से बता रहे जो साइंटिस्ट आप बता रहे। तो अब आपको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अब हम लोग भी आप लोग भी जिस जिसने त्याग किया है वो लोग अब आज से ले सकते हैं। अब चतुर्मास विसर्जन का अब कार्यक्रम आज ही का करेंगे। आप लोगों को ओम नमः बोलना है, क्या बोलना है? ओम नमः बोलना है। बहुत दिन हो गए कार्यक्रम लोग बहुत पीछे पड़ रहे थे, अगर उनको सब लोग फ्री कर देंगे ना तो लॉन कम पड़ जाएगा। हमने बोला कम से कम लोगों को ये करना भी है, सबको ज्यादा भी नहीं करना मत करना, फिर भी उसके हिसाब से काफी लोग आप लोग आए हैं। अब भगवान माधव स्वामी के आज ये निर्वाण उत्सव, निर्वाण लड्डू चढ़ाया, निर्वाण लड्डू में भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भगवान माधव स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने के बाद जब वो 13वें गुणस्थान को पार करके 14वें गुणस्थान में पहुंचे और पावापुरी के बहुत विशाल तालाब के बीचों बीच में योग विरोध किया, अयोग केवली बने। हाँ जोड़ो माधव स्वामी बोलो अयोग केवली बने। पहले सयोग केवली थे, कौन से? योग से थे, फिर योग को पार किए सिद्ध भगवान बने। बोलो आत्मा को बहिरात्मा को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में बदलने का प्रक्रिया योग है, जैन योग है। पहले गुणस्थान से जबरे गुणस्थान को पार करना जैन योग है। वर्षा योग बोलिए, वर्षा योग ये भी एक योगी है। मुनि महाराज बोलो, मुनि महाराज चार महीने के लिए योग धारण करते हैं, क्या करते हैं? योग धारण करते हैं। तो देखिए योग तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक आध कुर्सी और दे देना ना है तो रविंद्र तुम इधर आओ, आगे बीच बीच में फोटो वोटो ले ले रहो, वहां जाके बीच नीचे बैठ गए। लोग पूछते हैं क्या हुआ, लियो इधर खड़े होकर के। बाली पुस्तक का भोजन करवाना। हाँ पता है मेरे पुस्तक लाए हो? अच्छा ठीक है। तो महावीर स्वामी योग निरोध करके आज के दिन
मोक्ष किए थे। आज सुबह इसलिए लड्डू चढ़ाया, कई लोग ये पूछते हैं आज क्यों चढ़ाया, क्योंकि पंडित लोग हर हर त्योहार को दो दो बनाए हैं, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। किसी ने पूछा आज किस दिन क्या है, मैंने उससे भी बड़ी दिवाली। क्या कर सकते हैं, बोलो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। जैनियों को जैनियों की उससे भी बड़ी दिवाली और बड़ी दिवाली है हमारे लिए। भगवान महावीर स्वामी का जो मोक्ष हुआ, उस मोक्ष को हम याद कर रहे हैं निर्वाण लड्डू चढ़ा करके। उनके भगवान महावीर स्वामी के जो मधुर वाणी है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी कैसी थी, वो पंजाबी में बोलते हैं लोग, मीठी लगती बुरादी वाणी। आचार्य श्री जनन मुनिराज परम गुरु है हमारे है? तो हम उनको याद कर रहे हैं, बार बार याद करते हैं। आज दिवाली के दिन बड़े महाराज बड़े खुश होते थे, तुरंत बुला करके बोलते थे वो दिवाली के मुबारक हो, ऐसे बोलते थे, मजाक करते थे, मजाक करते थे। मैंने बोले तो उर्दू हो गया, बोलते थे दिवाली के शुभकामनाएं, और हम बोलते थे कि आप क्या बोलते हो, हैप्पी दिवाली, क्या बोलते हो, खाते खाते हो एवरी मोमेंट, हैप्पी हैप्पी एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट होली दिवाली, हर समय हर क्षण हैप्पी रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। आनंद की बोलो परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वयं में ही व्यवस्थित है, जो ध्यान करता है वो अनुभव करता है। आत्मा का स्वरूप बोलिए आनंद है, क्या है। अगर आप खुश होना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं, कोई रोक सकता है, आपके खुशी कहाँ है, जोर से बोलो, अपने अंदर ही आपे में है, कहे में है, हाथ जोड़ो आपे में है, बोलो आपे में रहो, कहे में रहो, जियो और जीने दो, बोलो आपे में रहो, आपे में रहो, बोलो जियो और जीने दो। आपे में रहो कितने अक्षर हो गए भाई, आपे में रहो कितने अक्षर हो गए, पांच। आपे में रहो कितने अक्षर हो गए, हाथ ऊपर करो, पांच। जियो और जीने दो ये कितने अक्षर हो गए, सात। सात ऐसे करो, सात पांच हुए और ये सात। तो महात्माओं ये छंद है, हाइकु छंद है, कौन सा छंद है, हाइकु छंद है। आजकल महाराज लोग इस पे बहुत चीजें लिख रहे हैं। एक वो सुधा मले आए थे, बड़े महाराज के सामने पूछ रही थी कि हाइकु छंद के बारे में, मैंने सुनाया कट आपे में रहो जियो और ये हाइकु छंद है, जापानी छंद है। आजकल महाराज लोग बहुत लिख रहे हैं इसमें, तो आपको बहुत आशीर्वाद है। अब वो मुकाम का ध्वनि करेंगे, एक दो तीन। ओम नमः Yeah.
वचनों का संग्रह है उसको रिपीट करके इसमें तीन आपके डायरेक्ट डायरी हो गए बैठे बैठे सीधे कर सीधे एक भाई साहब के हाथ में दे आगे आगे हां इसमें जो है आचार्य श्री के जो डायरी है आचार्य श्री ने इसको सीधा आप सब लोग सभी फैमिली ने आप कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा
कोई संघ है, कोई गीत पाके अध्यक्ष बैठी हुई हमारी, उनके गीत पाके सब महिला संघ मिलकर के भी कर सकते हैं, और भी सब जगह के संघ जो है कोई करना चाहे समाज से भी बनवा सकते हैं। कोई आपका कई समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अगर उनकी भी भावना बने तो हम सब आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हमारे राजेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सरपति जी का, हमारे ट्रस्टी जी हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम सुचारू रूप से हमेशा करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं बेचारे ये। इसके साथ ही साथ अब आप सब लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन भोजन का कार्यक्रम करवाया है। आप सब आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।